एक सीनियर डॉक्टर की जीवन बदल देने वाली बड़ी उपयोगी सलाह महिलाओं के लिए। सबसे पहली है, आप घर के सारे काम एक बार में ही खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये अंतहीन है। जिन महिलाओं ने ऐसा करने की कोशिश की, वे बीमार हो गई या फिर जल्दी ही भगवान को प्यारी हो गई। तो दोस्तों, इस सलाह में ये बताया गया है कि हमें पता है कि घर के काम हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, तो उन्हें मैनेज्ड करके करें, धीरे धीरे करें, आराम से करें, कोई इसके लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। काम के बीच में अपने आराम का भी समय निकालिए, यह कोई पाप नहीं है। थोड़ी देर पैर फैलाकर सोफे, बिस्तर या फर्श पर बैठिए, थोड़ी देर कुछ मूंगफली, फूले हुए मक्का या भुने हुए चने के दाने खाइए, कोई मनपसंद गीत गुनगुनाइए या सुनिए, अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़िए, आप जल्दी ही आराम महसूस करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप काम करते करते एक ब्रेक ले सकते हैं काम में। तीसरे नंबर पर है, घर के काम करते हुए यदि सिर में दर्द हो गया हो, बहुत थकान हो रही हो, तो थोड़ी देर के लिए एक झपकी ले लीजिए। यकीन मानिए, आपका सिर दर्द थकान छू मंत्र हो जाएगा। जिन्होंने आराम को हराम समझा, वे अपने परिवार से जल्दी ही विदा हो गए। तो दोस्तों, घर के काम करने के लिए जैसा कि बताया गया है कि वो अंतहीन है, उसमें बीच में थोड़ा सा आराम कर लेना कोई भी बुरी बात नहीं है। चौथे नंबर पर है, सोने के लिए कभी भी नींद या नशे की गोलियों का सहारा मत लीजिए। इसके बुरे प्रभाव से दिमाग और शरीर के अनेक अंग खराब हो जाते हैं, भूलने की समस्या पैदा हो जाती है। सोने के लिए अपने दिमाग को शांत कीजिए, सोचिए मत, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सब कुछ अपने समय पर सही हो जाता है। चिंता करने से आप शरीर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी, लीवर आदि बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल कूल माइंड से काम करना है, क्योंकि वो घर हमारा ही है, हमें ही करना है, तो आराम से रिलैक्स होके करें। पांचवें नंबर पर, यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप बीमार हैं, तो ये छुपाइए मत। इसके लिए सही डॉक्टर, हॉस्पिटल आदि से इलाज लेकर सही उपचार कीजिए। समय से इलाज मिलने पर बीमारी गंभीर रूप धारण नहीं कर पाएगी, यह आपके जीवन का प्रश्न है। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों, हम भी एक लाइफ लाइन है अपने परिवार की। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम अपने घर को, अपने परिवार को अच्छे से चला पाएंगे। समय समय पर अपना बीपी, शुगर चेक करते रहिए, चाहे आप बीमार हों या नहीं। इससे कोई बीमारी होने से पहले ही पता चल जाता है और परेशानी गंभीर नहीं हो पाती। तो दोस्तों, समय समय पर हमें अपना मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए। यह हमेशा याद रखिए कि आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। भले ही कोई आपको यह जताए या नहीं, आपकी अनुपस्थिति में परिवार बिखर जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसीलिए अपना पूरा ध्यान भी रखना चाहिए, ये भी आप ही की जिम्मेदारी है। आठवें नंबर पर है, घर में काम ज्यादा हो तो घर में ऐसी मशीनें लाइए जिनसे कुछ काम आसान हो जाए। जरूरत हो तो किसी काम वाली बाई की मदद भी ली जा सकती है, मगर रसोई में खाना बनाना और परोसना अपने हाथ में ही रखिए। बच्चों और आपके पति देव को इतने प्यार से दूसरा कोई भी भोजन नहीं करा सकता जितना कि आप स्वयं। अधिक काम से अधिक तनाव होता है और यह अनजाने में ही लाखों लोगों की जान भी ले लेता है। नंबर 9 है, यदि मन करे तो अपने लिए भी बाहर से कोई स्नैक्स या सॉफ्ट ड्रिंक, जूस आदि लेकर उसका आनंद लीजिए। आप हमेशा ही परिवार, बच्चों, पोतरों आदि के बारे में सोचती रही हैं, कभी कभी अपने लिए भी कुछ लीजिए। तो दोस्तों, इस वाले उपाय में यही बताया गया है कि हम लेडीज हैं, हमें अपने बारे में भी कभी सोचना चाहिए, अपने स्वाद के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में। नंबर 10 है, किसी दिन जरा सा समय मिले तो अपनी यादों का पिटारा, अपनी शादी की एल्बम खोल लीजिए, उन पलों और उनसे जुड़ी हुई हंसी से ठिठोली की याद कीजिए। निश्चित ही आपके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान आ जाएगी। बुरी यादों को मकड़ी के गंदे जालों की तरह झाड़कर बाहर फेंक दीजिए। तो दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। जो भी हमारे जीवन के अच्छे पल हैं, उन्हें ही याद कीजिए। कभी कभी अपने बेडरूम या बाथरूम में लगे दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारिए, संवारिए। इसलिए नहीं कि आपको किसी पार्टी में जाना है या किसी को दिखाना है, बस अपने लिए, अपने खुद के लिए स्वयं पर ध्यान दीजिए। मन करे तो अपने शीशे के सामने थोड़ा मुस्कुराइए, हंसिए या फिर कुछ गुनगुनाइए, डांस कीजिए। उन पलों को याद कीजिए जब आपके पतिदेव आपकी सुंदरता की खुलकर तारीफ किया करते थे। यदि आपको अपनी आंखों के नीचे काले घेरे या त्वचा पर झुर्रियां नजर आएं, तो अपने आप पर तरस मत खाइए। बस थोड़ी सी मलाई अपनी त्वचा पर मलिए और धीरे धीरे मालिश कीजिए।
बाद में किसी हल्के फेस वॉश से मुंह धो लीजिए। यकीन मानिए आप स्वयं को सुंदर और तरोताजा महसूस करेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ सलाहें जो एक डॉक्टर के द्वारा दी गई थी महिलाओं के लिए। आशा है आपको अच्छी लगी होंगी। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने और सुनने को मिलते रहें। धन्यवाद।